नमस्कार, मैं हूं प्रणव सेमल्टी प्राणवानंद और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में। तो आइए जानते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने तथा ईमानदारी से कर देने वालों को पुरस्कृत करने पर काम किया जाएगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिकों के साथ उनकी मदद करने वाले स्थानीय लोगों के यहाँ छापेमारी की, जिसमें गिरोह का सरगना चीनी नागरिक भी गिरफ्तार किया गया। आज उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें कोरोना, मानसून और चार धाम यात्रा जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की आशंका जताई है। राजधानी देहरादून में अभी झमाझम बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते देश भर में कई राज्यों और उत्तराखंड में लगभग सभी स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर सड़कें बंद हैं, सड़कें खोलने का काम लगातार जारी है। तो मुख्य समाचार में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।